आज की वीडियो में जानेंगे हम दोस्तों कैसे कम बजट में बिल्कुल ना के बराबर खर्चे से हम अपने डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशन, जो डार्क स्पॉट्स हैं, सोने पे सुहागा वाली रेसिपी है, और साथ में मेल्स और फीमेल्स, बॉयज गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर सर्दियों में जैसे आंखों के नीचे झुर्रियां, फाइन लाइंस, ड्राई स्किन, खिंची खिंची त्वचा होती है, तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया रेसिपी है, बने रही इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेसुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का वीडियो मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, बिकॉज इस टॉपिक पे इतने रिक्वेस्ट तो आए ही आए, लेकिन ये मैंने आई वुड से कम, अगर मैं आपको एक गिनती बताऊं तो कम से कम 200-300 लोग हैं जो मैंने लिटरली फेस टू फेस जिनकी ये डार्क सर्कल्स जो हैं कम कर दिए हैं। तो अगर आप भी डार्क सर्कल से परेशान हो या फिर आंखों के नीचे लाइंस आने लग जाती है, मेरे लाइंस आते हैं बिकॉज मैं पहले बिल्कुल आई क्रीम नहीं यूज करती थी और मैं ऐसे ऐसे चिड़ जाती थी, तो इस वजह से बहुत होता है। तो उसके लिए मैंने ये एक सीरम बनाया है। ऑलरेडी डार्क सर्कल्स पे मेरे वीडियोस का लोग बहुत फायदा उठा चुके हैं। प्लीज अगर वो वीडियोस नहीं देखे, आई एम श्योर आप लोगों को वीडियोस मिले ही नहीं होंगे, तो आप टाइप कीजिए जेसुपर कौर स्पेस डार्क सर्कल्स रेमेडी या कुछ भी, आपको वो वीडियोस डेफिनेटली मिल जाएंगे। और उनको प्लीज यूज करना शुरू कीजिए। नेचुरल रेमेडीज टेक टाइम। तो अगर आपको अपने डार्क सर्कल्स हटाने हैं, यहां पर फाइन लाइंस हैं या कहीं पे भी फेस पे डार्क पैचेस हो रहे हैं, उस पर ये बहुत जबरदस्त काम करेगा। आपको क्या करना है, एक तरह से ये सीरम भी है, मॉइस्चराइज भी करेगा। और इस तरह से मैंने रोल ऑन बॉटल में डाला है, बिल्कुल आईब्रो और आईलैश ग्रोथ सीरम जो मैंने किया था। तो ये आप रोज रात को, एक नाइट क्रीम की तरह भी काम करेगा, रोज रात को आप ये यहां पर लगा लीजिए। ये जो बॉल है मसाज वाली, ये आपका मसाज का काम करेगी। अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक तरह से बॉटल मसाज करेगी, ठीक है? तो ये आपने रोज इस तरह से लगाकर, चाहे इसी से मसाज कर लीजिए या फिर अपनी रिंग फिंगर से आप इससे मसाज कर लीजिए इस तरह से। ये इस मोशन में आए जो मैं सर्कुलर डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए मैंने एक स्पेशल मसाज टेक्निक शेयर करी है। जितने भी मेरे डार्क सर्कल्स के 2-4-5 वीडियोस हैं वो देख लीजिए, उनमें से एक में आपको टेक्निक मिलेगी, वो मैं यहां नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी बता रही है, पूरा डेमो करके एक्सप्लेन करके, वो आप देखिए। तो आप ये जरूर रोज रात को लगाना शुरू कर दीजिए, इवन मॉर्निंग में भी लगाया कीजिए, जब आप तैयार होके कहीं जाते हैं, नहीं भी जाते तो भी मॉइस्चराइजर के साथ, आईज के लिए, बिकॉज यहां पर जो स्किन होती है बहुत पतली होती है, स्पेशली अगर डार्क सर्कल्स हैं धीरे धीरे ठीक होगा, और अगर कहीं पर भी फेस पर डार्क पैचेस हैं कहीं पर भी, तो वहां पर भी आप यू नो थोड़ा सा इसको, कुछ लोगों को पिगमेंटेशन अराउंड लिप्स होती है ना, यहां पर माउथ के आसपास होती है कालापन, तो वहां पर भी ये सीरम को इस तरह से यूज कर सकते हैं और बहुत फर्क पड़ेगा। मेरे कहने पे मत जाइए, ये DIY को ट्राई कीजिए और फिर जब फर्क पड़े तो मुझे आप बताइएगा। एंड नीचे प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो जेन्युइनली इसी मेरी अच्छाइयां और मेरे फायदे देखकर, मेरे वीडियोस के फायदे देखकर सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो अभी बहुत सारी बातें हो गई, अभी ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्ट विद द DIY एंड द वीडियो एज़ वेल। दोस्तों सबसे पहले आधा कप तकरीबन पानी बॉईल होने रख दीजिए, और उसमें 2-3 चुटकी, मतलब आधा पौना चम्मच के करीब सौंफ पिसी हुई मैंने डाली है। आप साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं, फेनल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? ग्रीन कलर की आती है। और एक टी बैग मैं डाल रही हूँ, नहीं तो आप खुली ग्रीन टी भी ले सकते हैं, ग्रीन टी है, ठीक है? टी बैग खोल के डाल लीजिए या खुली जो ग्रीन टी लीव्स आती हैं, एक चम्मच के करीब इसको आप बॉईल होने दें। साथ में मैं अब ले रही हूँ उसमें गुड़हल का फूल, जिसको इंग्लिश में हिबिस्कस फ्लावर या चाइना रोज भी बोलते हैं, इसके मैं पत्ते ले रही हूँ। बहुत एंटी एजिंग क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत एक तरह से बोटॉक्स है ये आपके। मैंने एक बोटॉक्स वाला वीडियो बनाया था, वो वीडियो नहीं देखा है तो जेसुपर कौर स्पेस बोटॉक्स टाइप कीजिए यूट्यूब सर्च में, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और फॉलो कीजिए। तो क्योंकि अंडर आई वाली स्किन जो है हमारी पतली होती है, वहाँ पर फाइन लाइन्स वगैरह जल्दी आने लग जाती है, तभी कंसीलर वगैरह वहाँ पर पता है वो पता चलता है। तो आप ये तीनों के कॉम्बिनेशन को बॉईल कीजिए। और जितनी भी आप महंगी क्रीम्स लेते हो ना, डार्क सर्कल का सीरम, ये वो अंडर आइज का, उसमें सौंफ का एक्सट्रैक्ट ज़रूर होता है, और वो कम से कम 2,500-3,000 फॉरेस्ट एसेंशियल्स की आती है, कम से कम मेरे ख्याल 3,000-4,000 रुपये की। तो जब पानी आधा हो जाए, मतलब आधा कप लिया है तो उससे आधा, एक कप लिया है तो बिल्कुल आधा, बिल्कुल आपको पानी को बहुत कम कर लेना है कि उसमें सारा जो एसेंस है वो जज्ब हो जाए इस पानी में, ठीक है? अच्छे से। और ये रेड अभी दिख रहा है, कितना सुंदर कलर आ गया, अभी थोड़ी देर में नॉर्मल सा ठंडा इसको कर लीजिए, बिल्कुल छान के रख लीजिए। कोई फेस पैक बनाते हो, कुछ बनाते हो, एक्स्ट्रा पानी है, फेस पैक बना रहे हो, तो आप ये पानी से फेस पैक बनाओ, मज़ा आ जाएगा यार, आप मेरे को दुआएं दोगे। खैर फिलहाल सब्सक्राइब ही कर देना, शेयर कर लेना। अब थोड़ा सा मैं इसमें 2-3 चम्मच मैंने ये वाला पानी लिया है जो मैंने एसेंस बनाया है, ठीक है? अब हम बना रहे हैं, इसमें मैंने आधा चम्मच एलोवेरा जेल डाला है, थोड़ा सा एक बॉडी देने के लिए, ठीक है? बेस के लिए आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली भी
ले सकते हैं, नहीं तो नॉन पेट्रोलियम जेली जो मैंने शेयर करी है वीडियो वो आप ये ले सकते हैं। अब इसमें बादाम का तेल डाल रही हूँ, एक तो होता है सिर्फ बादाम का तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर मेरे कहने से आप प्लीज़ ट्राई करो, मतलब 8 से 10 ड्रॉप या आधा चम्मच के करीब आमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल है ये और प्योर खालिस लें, ठीक है। ये एक मेरा सिरम टाइप बन गया डार्क सर्कल्स का, और अगर हो सके तो मैंने विटामिन सी सिरम आपसे ऑरेंज जूस से बना के शेयर किया था, वो भी 2-4 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। वैसे डालेंगे तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, मैं आपको कहूँगी डाल लीजिएगा, नहीं तो जो शुरू में मैंने ये कॉन्कॉक्शन बनाया है वो एसेंस गुड़हल के फूल वाला, वही पानी काफ़ी है, ठीक है, 2 से 4 चम्मच। और आप इसको आराम से आप इसको 15-20 डेज 1 मंथ तक भी स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे और बढ़िया है। अब मैं इसको एक रोल ऑन बॉटल में सेव करके रख रही हूँ, आप देख लीजिए, आप डब्बी में भी भर के रख सकते हैं, रोल ऑन बॉटल बहुत इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अभी लड़कियाँ हॉस्टल रहती हैं या वर्किंग गर्ल्स हैं, वर्किंग वेमेन, इवन मेल्स भी, बहुत आसान है, आप बना के इस तरह से 2-3 डब्बियाँ रख लीजिए और उसके बाद आप सबसे यूज़ करवाइए, तो आपके डार्क सर्कल्स तो बिल्कुल कम होंगे ही होंगे, साथ में आपकी जो आईज़ के नीचे अगर फाइन लाइन्स या कुछ है, रिंकल्स हैं, वो भी कम हो रहे हैं। बिन्ना का यूज कीजिए एटलीस्ट। अब मैं ये नहीं कहती एक बार में लगा हे मेरे डार्क सर्कल्स क्या हो गया, ऐसा कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी नहीं होती, मुझे यूट्यूब पे वीडियो फालतू में ऐसे वायरल नहीं करना है, बट डेफिनेटली आप ये जरूर जरूर बनाइए और विश्वास रखिए, ठीक है, हैव द फेथ, कीप द फेथ ऑन मी, एंड बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, जो आईज पफीनेस होती है, लाइनें दिखती हैं, फाइन लाइन्स, वहां पर भी काम करेगा। तो मुझे उसके बदले आपसे क्या चाहिए, लाइक कमेंट एंड शेयर, दैट्स इट। सब्सक्राइब बटन अगर अभी भी रह रहे तो गलत बात है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियोस जब आए कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता तो पता चलना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो, मुझे क्या हो गया यार, आई एम हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है और बहुत प्यास लग रही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, इट्स यू गर्ल, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, मुझे बहुत सारा मिस करना, इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, इट्स यू गर्ल जेसुपर कौर, इट्स यू गर्ल जेसुपर कौर साइनिंग ऑफ, बाय, लव यू ऑल।